एक बार आप ये झटपट बन जाने वाली बिना कोई झंझट सूजी के क्रिस्पी मसाले डोसे बनाकर तो देखिए, ये बहुत ही कुरकुरे और यमी लगते हैं और बनाना भी बेहद आसान है। सुबह आप नाश्ते में फटाफट बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं। मेरी बताई इस रेसिपी से घर पर आप तैयार कर पाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा मसाला डोसा और पनीर डोसा, और ये सबको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही हम बनाएंगे परफेक्ट आलू का मसाला, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी का इंस्टेंट मसाला डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक ग्राइंडर जार लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी, आप बारीक या मोटी कोई से भी सूजी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डोसे के लिए बैटर तैयार करना है, और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 टेबल स्पून आटा और 1 टेबल स्पून ही मैंने बेसन लिया है। तो ये दोनों डोसे में बाइंडिंग का काम करती हैं, इसलिए इसे सूजी का डोसा बनाते वक्त ज़रूर ऐड करें। अब हमें सूजी के साथ इसे ग्राइंड कर लेना है, करीब 20 से 30 सेकेंड इसे चला लें ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से बारीक हो जाए। इसे ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप दही, तो दही आपको बिल्कुल फ्रेश लेनी है, ज़्यादा खट्टी दही आपको इसमें नहीं डालना है। और दही डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डाल के मिलाने से ये ऐसा डो जैसा तैयार हो जाता है, तो हम इसको ऐसे ही ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम डोसे के लिए आलू के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन गरम होने के लिए रखा है, इसमें हम करीब 1 चम्मच तेल डालेंगे, साथ ही में थोड़ी राई डालेंगे 1/4 टीस्पून, और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, आधा इंच अदरक भी कूट कर डाल देंगे, और ये मैंने 5 से 6 कड़ी पत्ते लिए हैं सूखे, इसे भी डाल देंगे, और 1 चम्मच मैंने चना दाल लिया है इसे भी डाल देंगे। इसे कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे, और फिर हम इसमें एक मीडियम कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। प्याज को भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे डालकर कुछ सेकेंड के लिए भून लें, और अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं मैश करके, इसे भी डाल देंगे, और साथ ही मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है थोड़े से, ये भी डाल लें, और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद कि हमारा आलू का मसाला तैयार है डोसे के लिए। अब चलिए डोसे का बैटर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे रेस्ट पे रख दिया था, और देखिए सूजी फूल गई है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, तो मैं इसमें पहले 1 कप पानी डाल रही हूँ, और इसका हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, गाढ़ा घोल ही बनाना है। तो पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ध्यान रखिए इसमें लम्स ना पड़े। तो पानी मिला लिया है मैंने 1 कप, और अभी ये थोड़ा और गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल रही हूँ, करीब 1/4 कप, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का बहुत ही स्मूथ बैटर होना चाहिए डोसे का, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से आप सूजी का इंस्टेंट डोसे के लिए बैटर तैयार कर सकते हैं। अब हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है, इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए अच्छे से फेंट लीजिए। तो फेंटने के बाद हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसकी जगह पे आप इनो भी ले सकते हैं। तो ये मीठा सोडा डालने के बाद हम इसके ऊपर से थोड़ा पानी डालेंगे, और इसे भी हम एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर अब हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब चलते हैं डोसा बनाने की ओर। तो यहाँ मैंने एक तवा गरम करके लिया है, आप लोहे का तवा या फिर नॉनस्टिक तवा किसी पे भी इसे बना सकते हैं। बस इसके लिए इसको तैयार करना होता है, वो कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हाई हीट पे गरम कर ले, और इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए इस पर थोड़ा पानी डालें, और एक किचन क्लॉथ से इसे वाइप कर लें। डोसा डालते वक्त फ्लेम को मीडियम रखें। तो हम एक करछी लेंगे, और इस तरह से इसके ऊपर बैटर डालकर फैला लेंगे। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दें, और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा तेल या घी डाल लेंगे। तो ध्यान रखें इसे हाई फ्लेम पर रखकर ही पकाएं, इससे ही सूजी का डोसा बहुत ही कुरकुरा होगा और डोसे वाला कलर भी आएगा। तो देखिए डोसा नीचे से सिककर ब्राउन हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर आलू का मसाला डाल देंगे, और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लीजिए, और इसका टेक्सचर देखिए कितना ही बढ़िया दिख रहा है ये, और ये बहुत ही क्रिस्पी है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इसी तरह से हम बाकी डोसे भी तैयार कर लेंगे। इसी बैटर से आप पनीर डोसा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो इस बैटर को तवे पे फैला लें और इसके ऊपर आलू का मसाला स्प्रेड कर दें जैसे ही ये हल्का सिक जाए। और फिर हम इसके ऊपर इस तरह से पनीर को ग्रेट करके डालेंगे। चारों ओर पनीर को ग्रेट करके डाल दें और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट पनीर डोसा भी तैयार है। ये भी खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो ये यमी मसाला डोसा और पनीर डोसा को आप सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही इंस्टेंट है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।